And now, moving on to Anshul. So over to you, Anshul. Introduce yourself. नमस्कार, मेरा नाम अंशुल है। तो मैं सबसे पहले एनआईडीएम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इस लेवल पे हमें मौका दिया मैं शब्द रखने का। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज टाइम से, उस टाइम मैं स्कॉटलैंड गाइड में था और उस टाइम हमने ट्री प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाना, वो कैंपेन और साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते थे हमारे, जिसमें हम लोगों को अवेयर करते थे कि अर्थ को सेव रखो, कूड़ा मत फैलाओ और पेड़ पौधे लगाओ। उसके बाद मैंने एक कोर्स किया डिजास्टर मैनेजमेंट का, बेसिक कोर्स किया डीडीएमए का। वहीं से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया। उसके बाद मैंने बहुत से कोर्सेज किए, एनडीआरएफ से कोर्स किए मैंने मेडिकल में, सर्च एंड रेस्क्यू में। फिर बाद में मैं चला गया कैपेसिटी बिल्डिंग में, जो कम्युनिटी मैंने एनडीडीएमए में काम किया डीसी ऑफिस कांगड़ा, वहां पे कांगड़ा में। तो मैंने वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग में काम किया, तो मैंने 8,000 जो हमारी डीसी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में थी, वहां उनको ट्रेन किया, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और जितने भी कॉलेज के बच्चे थे उनको मैंने ट्रेन किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो 8,000 में से कम 20-25 ऐसे जिन्होंने रिस्पॉन्स किया, जिनको मैंने पढ़ाया था, जिनको मैंने वो ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने कम्युनिटी में जाके रिस्पॉन्स किया। एक उसमें से एक लेडीज थी, तो उसकी सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया, तो जिसको मैंने सीपीआर के बारे में बताया था, मेडिकल बीएलएस के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में, उन्होंने अपनी सासू माँ की जान बचाई और उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपकी वजह से, जो आपने मुझे पढ़ाया था, जो ट्रेनिंग दी थी, आपकी वजह से मेरे घर में जान बच गई। तो उस टाइम मुझे ऐसा बहुत एक, मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए, कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं लाइफ में कुछ एक अच्छा काम कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल जो एक यूथ है, मैं देखता हूँ हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, सबको पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, मतलब उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। बट एक्चुअली में हमारी लाइफ का मतलब क्या है, कि यूथ क्या है, कि औरों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं, औरों के लिए कुछ करना। जब हम औरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए भी एक रास्ता खुलता है। फिर तब से मेरी लाइफ का फिर टर्निंग पॉइंट चेंज होगा कि नहीं, मुझे जो भी करना है अपने यूथ के लिए, ये पूरा भारत जितना भी है सब मेरा परिवार है। और जहां भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को रिस्पॉन्स करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरा परिवार है। जब मुझे उनका प्यार मिलता है तो ऐसा नहीं लगता मैं अकेला हूँ, इससे मेरी पूरी फैमिली की तरह, मुझे एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। पर कई बार शक भी करते हैं क्योंकि बहुत छोटा हूँ, तो पहले पहले बोलते थे ये क्या पढ़ाएगा हमें, ये तो खुद बच्चा है। बट ये भी कई बार इशू आते हैं कि ये तो खुद बच्चा है, अभी क्या पढ़ाएगा। बट जब उनको जाता हूँ, रिस्पॉन्स करता हूँ, मैंने काफी काम किया रिस्पॉन्स टीम में भी, माउंटेन रेस्क्यू में। तो हमारे हिमाचल में मोस्टली टूरिस्ट आता है और पहाड़ों में वो फंस जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो उनको जब हम जाते हैं रेस्क्यू करने, तो शक्ल देखते पहले ही तो खुद बच्चा ये क्या बचाएगा। बट जब हम वहां जाते हैं तो उनको फिर पूरा माउंटेन रेस्क्यू, जो मेरा काम है टेक्निकल रेस्क्यू का, ये रोप स्ट्रक्चर में उनको डालना और उनको नीचे रेस्क्यू करना, तो काफी रेस्क्यू किए फ्लड रिस्पॉन्स में भी। अभी यहाँ पे हमारे हिमाचल में पालमपुर में फ्लैश फ्लड आया था और लोगों के सारे घर चले गए, जितने भी घर थे वो बेघर हो गए। तो वहां पे मैंने काम किया, वहां पे मैंने उन सबके लिए कैंप लगाए, मैंने रिलीफ और फंड अरेंज किया और उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ, सबसे फंड रेज किए, सेम जैसे तारू सर की तरह और मैम की तरह मैंने सेम वैसा काम किया और फंड रेज किए और उनको कम से कम एक हफ्ते तक एक वहां कैंप लगाया, उसमें सब उनको हर चीज प्रोवाइड की, फर्स्ट एड से लेकर हर चीज प्रोवाइड की और उनकी हेल्प भी की। क्योंकि जब फ्लैश फ्लड आया था तो लोगों के घरों में मिट्टी भर गई थी, उनके जो जितने भी देवरात थे, सोना चांदी, तो उनको मैंने हेल्प की अपनी टीम के साथ। मैंने वहां पे एक लीडरशिप दिखाई, मैंने पूरे गांव के जितने भी यूथ थे उनको मैंने इकट्ठा किया और उनके साथ मिलके 15 बंदों के साथ मिलके मैंने हर एक के लोगों के घर गए और साथ में हमने मिलके काम किए, जिनके डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल वगैरह थी। क्योंकि जब फ्लैश फ्लड आया था तो पूरा मिट्टी में जितना था पूरा घर दब गया था उसके अंदर, तो वहां पे गए, सारा जिनका इम्पोर्टेंट सामान था निकाला, तो इस तरह मैंने वहां पे उनकी हेल्प करी। तो बाकी मैंने 8,000 आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और कॉलेज के बच्चों को मैंने ट्रेन किया कैपेसिटी बिल्डिंग में। और इसके साथ में मैंने एनडीएमए के प्रोजेक्ट में काम किया है आपदा मित्र में, जिसमें कि मैंने पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में काम किया, अमृतसर, लुधियाना, और वहां पे 3,000 वॉलंटियर को मैंने ट्रेन किया है। तो बाकी ओवर टू टर्फी मैम। Thank you so much, Anshul, and thank you for your introduction. And especially, आपकी बातों से यही पता लग रहा है that you have some sort of expertise in or you're gaining expertise in rescue. So
तो आपका ये एक जो पर्टिकुलर नॉलेज है ये आई हैव ऑल्सो इंटरेक्टेड विद यू पर्सनली एंड आई हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट अबाउट रेस्क्यू फ्रॉम यू. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. एंड जैसे कि आपने अभी एक चैलेंज के बारे में बताया कि यंग एज होने के कारण कई बार लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं एंड एवरी टाइम यू इन वन वे और अदर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आप बताइए आपको किस टाइप की दिक्कत. पहले आपने अपना एज का तो ऑलरेडी बता चुके हैं एंड बाकी दोनों जन ने भी एज का बताया है कि डेफिनेटली उससे इशू कुछ ना कुछ आते हैं. एंड आप उसके अलावा आप बताइए आपको क्या चैलेंज आपने फेस किया है अपने काम में. मैम जब हम रिस्पॉन्स में जाते हैं तो पहली बात लोग तो सुनते नहीं है क्योंकि लोग ऐसे लेते हैं आपको हल्के में लेते हैं कि ये बच्चे हैं ये क्या कर लेंगे हंसते हैं. दूसरी चीज कि फाइनेंशियली दिक्कत आती है क्योंकि जब हम जहां में हम काम करते हैं फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं रिस्पॉन्स टीम में जाते हैं तो मतलब हमें एक फ्री में काम करते हैं हमें मतलब अच्छा लगता है हेल्प करना लोगों की जान बचाना. बट कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियली दिक्कत आती है कि अपना इक्विपमेंट लेके अपना खर्चा करके सब कुछ लेके हम लोगों की जान बचा रहे हैं बट कहीं ना कहीं फैमिली से सुनना पड़ता है कि पहले अपना देख लो पहले तब किसी और का देखना. तो मैम मतलब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा ये हो जाए कि फाइनेंशियली कहने की मतलब थोड़ा अगर इस फील्ड में हम काम भी करें तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली मतलब हेल्प मिले गवर्नमेंट की भी या कहीं से हेल्प मिल जाए ताकि ये रिस्पॉन्स टीम में काम भी करें और अवेयरनेस वगैरह हो जाए. क्योंकि मैम दिक्कत ये भी है कि कहने के विलेज लेवल पे ना जब भी कोई डिजास्टर होता है या कुछ भी छोटा सा रख लो अब मेन जो लीड करता वो जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो लेडीज होती हैं मैम जो घर की लेडीज होती हैं. अब रिसेंटली मैं बात करता हूँ मेरे पड़ोस में एक बच्चे ने सिक्का खा ली था तो सिक्का उसके गले में चला गया तो उसको कोई पीठ से मारा था कोई सिर से मारा था तो बेचारा उसको काफी मार पड़ी थी उसको वहां पे मतलब उसको सिक्के को निकाल रहे थे तो वहां पे मैं गया एकदम से देखा तो मैंने उसको पहले मैंने रोका कि आप ऐसा मत करो और उसको मैंने एबीए फॉरेन बॉडी जो मेथड होता है उस मेथड से सिक्के को बाहर निकाला. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि विलेज लेवल पे भी एक अवेयरनेस नहीं है लेडीज में भी क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर घर में हमारी लेडीज हैं क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में गुरु साक्षात तस्मै गुरुवे नमः सबसे बड़ी जो गुरु होती है हमारी मदर होती है मदर से सब कुछ सीखते हैं. तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो विलेज पे लेवल पे होनी चाहिए जो जितने भी मदर्स हैं जो औरतें हैं क्योंकि सबसे वही हमें सब कुछ सिखाती हैं वहीं से हम सीखते हैं मदर से कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बोल रहे हैं तो ये चीज भी होनी चाहिए मैम. बाकी ओवर टू. यस थैंक यू सो मच अंशुल. एंड अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके इतने सारे चैलेंजेस हैं फिर भी आप लोग काम कर रहे हो सो आप अपना अपना एक या दो कोई मोटिवेटिंग फैक्टर बताओ कि इवन आफ्टर दिस चैलेंजेस यू स्टिल कीप ऑन वर्किंग. एंड अब आपने बताया कि फ्यूचर में भी आप करना चाहते हो सो व्हाट इज दैट सिंगल थिंग दैट ड्राइव्स यू. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद अंशुल बिकॉज हम हमेशा उसके पास लास्ट में आते हैं. सो अंशुल आप बताइए एक या दो मोटिवेटिंग जो आपके लिए सबसे बड़े फैक्टर्स हैं that keeps you moving. क्यों कर रहे हो आप ये. मैम हमारे यहाँ कांगड़ा में एक यहाँ पे फेस्टिवल होता है रली पूजन उसमें हम नदी में जाते हैं और वहां पे भगवान की मूर्तियां पानी में बहाते हैं. तो एक बार हुआ ये कि वहां पे एक लड़का था वो पानी में डूब गया तो सब सोच रहे मजाक कर रहा है पानी में डूबा नहीं है और मुझे लगा सच में पानी में डूब गया. मैं उसके पास गया उसकी जान बचाई उसको वहां से बाहर निकाला मैंने और जब उसको बाहर निकाला उसकी मदर मेरे को से लगी आप सच में मेरे लिए भगवान और आपकी वजह से आपने मेरे मतलब बच्चे को दूसरा जीवन दान दिया है तो आज जिंदा है वो आपकी वजह से. तो जब भी वो मुझे मिलते हैं तो हमेशा मुझे याद करते हैं कि ये जो बच्चा अगर जिंदा है वो आपकी वजह से वरना जिंदा नहीं होता. उस टाइम क्या होगा उसकी मदर भी पैनिक हो गए वो भी पानी में लगे जाने इवन उनको भी तैरने नहीं आता था. तो उस टाइम मैंने उनको शांत किया उनको मैं बाहर निकाला कि आप अंदर मत जाओ वरना मुझे दो जाने बचानी पड़ेगी एक साथ. तो उस टाइम मैं खुद बच्चा था 18 साल का था. फिर मैंने तब से मेरे को मोटिवेशन मिली कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए और उनकी जान बचानी चाहिए. फिर मैंने रिस्पांस टीम में काम किया माउंटेन्स पे तो वहां पे मैंने जब लोगों के चेहरे देखे जब मैं वहां पे रिस्पांस टीम में अपनी रेस्क्यू टीम के साथ आता था तो लोग हमें देखे खुश होते थे कि हमें कोई बचाने के लिए आया है. क्योंकि हम कहीं किसी से उम्मीद रखते हैं वो हमें देख के एक उम्मीद रखते थे कि हमें पक्का बचा लेंगे. तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन आई कि नहीं हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. और सच में मुझे मैम अच्छा भी लगता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो रात को मैम जो सुकून मिलता है ना मैं बता नहीं सकता हूँ आपको. एक अच्छी नींद आती है किसी की हेल्प करके और सबसे बेस्ट काम मुझे मैम ये लगता है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं किसी सबसे बेस्ट काम है मैम लाइफ का. और सबसे बड़ी मैम मेरे को देश सेवा भी ये लगती है हम लोग कम्युनिटी में जा रहे हैं उनको ट्रेन भी कर रहे हैं रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं रिलीफ भी कर रहे हैं. तो
मैम सबसे सबसे बेस्ट काम है मैम लाइफ का, और इन सबसे बड़ा धर्म भी है मैम इंसानियत। बाकी ओवर टू मैम। तो मतलब आपका मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब सबसे ज्यादा लग रहा है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपको, और एक रिकॉग्निशन जो आपको मिल रही है, जान बचाना आपको लग रहा है कि सबसे यू नो नोबल काम है, इसीलिए शायद आपका झुकाव भी रेस्क्यू की तरफ ज्यादा है। सो थैंक यू फॉर दैट। अंशुल आप बताइए आपका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इस पूरे एरिया को लेके, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड योर पार्टिसिपेशन। तो मैम मेरा तो ये फ्यूचर प्लान है कि मैं इस फील्ड में आगे काम करना चाहता हूँ, और कम्युनिटी में जाकर ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ इस फील्ड में कि एक्चुअली में डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या। और सच में बहुत बड़ा एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें सारे टॉपिक्स रहते हैं मेडिकल के, उसमें आपके फायर के, तो उनको अवेयर करना चाहता हूँ जब भी आने वाले टाइम जब डिजास्टर आए तो वो उसको डील कर सके, क्योंकि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ही डील करता है, NDRF SDRF तो बाद में आती है, पहले एक विलेज लेवल पे हम ही इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर स्पीड में ऐसे कोई जॉब निकले हमारे लिए भी एज ए वॉलंटियर, या हम उसमें काम कर सकें ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके और कम्युनिटी में जाके हेल्प कर सके। तो मैम तो आप इसको आप किसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या एज अ वॉलंटियर ही करियर किसी और फील्ड में बनाना चाहते हैं बट इसमें वॉलंटियर ही करना चाहते हैं? मैं इसमें मैं करियर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना ही जॉब करना चाहता हूँ ताकि मैं इसी फील्ड में काम करूँ, क्योंकि घर वाले भी जब हमसे पूछते हैं तुम करते क्या हो तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि हम एक्चुअली में करते हैं क्या है, तो हम बता सकें कि हम एक्चुअली हमारी जॉब क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, तो हम बता सकें। तो इसमें भी अगर हमें करियर का मौका मिलता है तो हम बिल्कुल करेंगे आगे काम। तो आप इसमें कीवर्ड है मौका, तो आप कह रहे हैं कि मौका नहीं मिल रहा है आपको, अदरवाइज आप किसी में करना चाहेंगे लाइक एज अ करियर? जी मैम। तो वाइल तरुष कम्स बैक टू अस हम बात करेंगे कि रिस्क आप अपने अलावा, बस आपसे थोड़े से एक आधा क्वेश्चन रह गया है, जो आपके अराउंड रिस्क है स्पेशली आप लोग हिमाचल से हो, इस बार पूरी दुनिया ने इंटरनेशनली ये बात यू नो काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज की गई कि हिमालयाज पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस बार हमने देखा कि कैसे शिमला में कैसे मंडी में कितनी बाढ़ आई और वो रुक ही नहीं रही थी, बार 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 फ्लैश फ्लडिंग हो रही थी, उससे लैंडस्लाइड हो रहा था। तो आप कैसे व्यू करते हो एज यू नो इनहैबिटेंट्स ऑफ माउंटेनस एंड हिल लैंडस्केप्स की क्या रिस्क हैं आपके अराउंड स्पेशली क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स को लेके? अंशुल आप बताइए, तो यंग इंडिया क्या सोच रहा है स्पेशली इन हिमाचल एंड आपके रीजन में, व्हाट इज इट दैट यंग पीपल मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज की, मैम सच में क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो मैं आपको व्यू दिखा सकता हूं मैम सामने। तो मैम सामने ये पहाड़ देख रहे हो तो ये एक टाइम पे इस टाइम बिल्कुल बर्फ से ढके होते हैं, नीचे तक बर्फ पड़ी होती है, इतना मतलब एक फैक्ट पड़ा है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि अभी मैं इस साल की बात करूं तो यहाँ पे इतनी अभी मनाली में इतनी गाड़ियां आई टूरिस्टों की कम से कम 50,000 के ऊपर, तो इतनी ही मतलब हीट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, बर्फ ही नहीं पड़ रही यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है लोकल्स के लिए दिक्कत है मैम, हमारे लिए दिक्कत है, इतना पोल्यूशन यहाँ पे है और जितना यहाँ पे मैम कुदरत से छेड़ मतलब छेड़खानी कर रहे हैं, यहाँ पे टनल्स बन रही हैं, साथ में जितनी यहाँ पे डिवेलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं डिवेलपमेंट अच्छी है बट कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए मैम बहुत खराब है मैम। आप इतना यहाँ पे अभी तक यहाँ पे स्नो नहीं गिरी है एक बार भी, ना यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैम बहुत फर्क पड़ गया है जब से यहाँ पे टनल खुली है, अटल टनल। तो जितना भी टूरिस्ट मैम जाता है तो जितनी गाड़ियां आ रही हैं उसकी वजह से मैम बहुत दिक्कत आ रही है बर्फ, क्योंकि जो पहले जो बर्फ पड़ती थी तो पूरा नीचे तक ये ढका होता था बर्फ से, बट अब जो है सीनरी बिल्कुल अलग है मैम। तो मैं बात करूं मैम जितने यहाँ पे होटल्स बन रहे हैं या डिवेलपमेंट्स या टनल्स बन रही हैं तो उससे भी मैम दिक्कत आ रही है कहीं की डिवेलपमेंट की वजह से। अभी जो रिसेंटली बात करूं कोटला की नूरपुर में, तो जहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ था मैम उसका मेन रीजन मुझे लगा मैम डिफोरेस्टेशन, मैम वहां पे कटिंग होगी पेड़ों की ठीक ठाक, और मैम जिससे क्या हो कि बाद में जो सारी मिट्टी थी वो नीचे आ गई, मतलब ऊपर गांव की तरफ आ गई क्योंकि वहां पे काम चला था उसका। राइट राइट, सो आई कैन सी हाउ यू आर व्यूइंग कि क्या हो रहा है आपके, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट एज अ यंग पर्सन? जैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा बताती हूँ सो दैट यू कैन रिलेट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट क्लाइमेट चेंज, तो मेरे जो एज अ पर्सन एज अ यंग पर्सन 10 साल पहले प्लान्स थे, आई सीम टू बी चेंजिंग देम एंड आई समटाइम्स डू फील, मुझे डर भी लगता है कि क्या होगा जब मैंने लैंडस्लाइड देखी
वहां पे ये सब होता हुआ देखा, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या आपको एंजाइटी होती है, क्या आपको डर लगता है, या आप मतलब क्या आपके पॉजिटिव या नेगेटिव या आपको कुछ भी फील नहीं होता है? हाउ डू यू सी इट? आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने हाल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में कैसे व्यू कर रहे हो इन सारी डेवलपमेंट्स को? हाउ डू यू फील अबाउट इट एज अ यंग पर्सन? मैं अगर फ्यूचर की बात करूं, मैम इस चीज का डर है मैम जो आप अभी देख रहे हो सामने, क्योंकि पहले की बात ही यहाँ पे पूरा बर्फ ढकी होती थी इतना अच्छा, मतलब पूरा बर्फ पड़ी होती थी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना फर्क पड़ गया मैम कि यहाँ पे बर्फ बार प्रॉपर बारिश न होना, और मैम कहने की डर है मैम आने वाले टाइम में शायद कमी हो जाएगी मैम यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि अगर बर्फ गिरती है मैम हमारी जो नदियां बनती है ना मोस्टली जो ग्लेशियर बनते हैं वो बर्फ से बनते हैं, हिमालय से बनते हैं, जितने भी हमारे यहाँ से नदियां जा रही हैं प्लेन्स की तरफ सिविलाइजेशन की तरफ वो यहीं से मैम यही हमारी सोर्स जितना भी हमारा पानी का पीने का सोर्स यहीं से निकलता है। बट आने वाले टाइम में जब अगर मैं अगर 5-10 साल बाद की बात करूं, अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया मैम बिल्कुल भी ना, सच में मैम हम बहुत फंसने वाले हैं, और ना हमें पानी की कमी हो जाएगी, नीचे तक पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैम जो यहाँ की रिवर को देख रहा हूँ ना, जो पहले रिवर जो पानी था वो फ्लो भी अच्छा था पानी का, और जब से फ्लैश फ्लड आए हैं तो जब से मैं देख रहा हूँ तो बिल्कुल पानी जो धीरे धीरे कम हो रहा पानी, और आने वाले टाइम में शायद मुझे लगता है 10 साल या 15 साल बाद ये नदी भी मतलब जो ब्यास नदी है हमारे यहाँ बहती है मतलब पहुंचेगी नहीं, जो पहले नदी पहुंची थी पंजाब तक, जब से डैम बने तो बहुत चीजें फर्क पड़ गया मैम, और मुझे सच में डर लगता है कि इस चीज को लेके, क्योंकि मैम हमें इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए बीइंग अ यूथ मैम, क्योंकि हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई कदम लेना पड़ेगा इसके लिए मैम, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खराब है मैम हमारे लिए, जो पेड़ कट रहे हैं मैम मोस्टली जो रीजन है मैम फ्लैश फ्लड का मैम मेरा जो मानना है मैम वो ये कि पेड़ों को काटना, इसकी वजह से मैम इतने फ्लड वगैरह और क्लाइमेट पे चेंज पड़ रहा है मैम, तो मैम मुझे ये डर है कि हम इस पे कदम लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो मैम 5-10 साल बाद मैम बहुत बुरा असर पड़ेगा मैम हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच अंशुल, आपने एक तो अपना भी बता दिया और साथ में आपने एक सॉर्ट ऑफ पेंट भी कर दिया अपने रीजन की पिक्चर की वहां पे क्या हो रहा है, राइट? सो आई थिंक शाहीन सर का एक क्वेश्चन है, देन वी विल मूव ऑन टू तरुष, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, करंट वाला। शाहीन सर, मेरा अंशुल से ये सवाल था कि जो आप सोच रहे हैं है ना, जो बहुत ही क्रिटिकल है, सही सोच रहे हैं, मेरा सवाल है क्या आपके जो गांव के लोग हैं, जो आपके साथी हैं, सिमिलर सोच उनका भी है या सिर्फ आपका अपना सोच है, या कितने लोग हैं जो आप तरह सोचते हैं और वो लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे, क्या क्या ऐसे आप लोग कुछ कर रहे हैं और यूथ मिल करके? सर एक्चुअली सर बहुत कम जो मेरे साथ जुड़े मेरी टीम में, बहुत कम से कम बहुत गिने चुने बंदे जो ऐसा सोचते हैं, कई तो लोग उसका मजाक में लेते हैं कि क्या हो गया कुछ नहीं हो गया इजी। हम सर हम पहले डिस्कस करते थे जब आज से 3 साल पहले डिस्कस करते थे, देखो क्या चल रहा है, उस टाइम मजाक में हंसते थे कि क्या चल रहा है कुछ नहीं है ऐसा, बट अब सच में जब हमें देखने को मिल रहा है तो डर लगता है कई बार कि अब जो टाइम है, क्योंकि जो हम एक्चुअली में जो नेचर में फर्क पड़ रहा है जब से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, तो लोग अभी भी यहाँ से कई में मजाक में लेते हैं इस चीज को कि नहीं कुछ नहीं होता जो चल रहा है चलने दो, बट सर में सर ये बहुत इंपैक्ट पड़ेगा बाद में, बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए उस टाइम बाद, तो हमें सबको इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज के बारे में सबको। जी जी प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, आप बताते रहिए। तो सबको अवेयर करना चाहिए इसके बारे में, इवन बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको अवेयर करना चाहिए इस चीज के बारे में कि बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए क्लाइमेट चेंज, इसी से सब कुछ जितने भी डिजास्टर यहीं से, जितने भी फ्लैश फ्लड हो गए आपके, एवलांच हो गए, जितने भी डिजास्टर जितने भी आ रहे हैं अर्थक्वेक, सब यहीं से निकल रहे हैं, अगर हम इस पे पकड़ बनाते हैं क्लाइमेट चेंज पे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अंशुल एंड थैंक यू फॉर योर व्यूज, एक आपने बाकी माइंड्स भी क्या सोच रहे हैं वो भी बताया। अंशुल ये सारे सजेशन तो तरुष ने हमें दे दिए, इसके अलावा आपके पास जो आपने काफी चैलेंजेस बताए उसको डील करने के लिए कुछ सजेशन हमारे लिए अदर देन दीज, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए एंड कोलैबोरेशन एंड टास्क ओरिएंटेड जो इन्होंने बताया, उसके अलावा आपके पास क्या सजेशन है? मैम मेरा तो मानना है मैम जैसे टीचर्स की जो जितने भी हमारे टीचर्स है ना उनकी ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए कि आप जैसे 5-10 डे की ट्रेनिंग हो उसमें उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में हर चीज के बारे में बताया जाए, और बाद में वही ट्रेनिंग जो उनको वहां बता रहे हैं वही, क्योंकि टीचर ही हमें सब कुछ बताता है हमारा सब कुछ पूरा हर चीज के बारे में, वही वो जो हम सिखा रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग वही पूरे स्कूल में
उन सबको बताएं, इस तरह भी काफी हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं मैम। और साथ में एक और चीज मैम, मैं मोस्टली देखता हूँ जब भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, वहां लगे थे फायर एक्सटिंग्विशर, वो हमें चलाने आते नहीं है। बल्कि अगर ऐसा इनके डिजास्टर हो जाए तो हमारे पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है किस तरह हमने फायर एक्सटिंग्विशर चलाने हैं, किस तरह आग को रोकना है। या केमिकल बायोलॉजी का जो आजकल का डिजास्टर जो आने वाले किस न्यूक्लियर पावर से मतलब लड़ाई लड़ेंगे, उसमें हम कैसे, हमें कैसे बचना है, तो उस तरह की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए मैम इन फ्यूचर में, हम सबको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए जो आप बोल रहे थे कि आपको जो पर्सनली इश्यूज आते हैं फाइनेंशियल, उसके लिए क्या सजेशन है? बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी रियल थिंग, और वो हर यंग पर्सन को इश्यूज आएंगे फाइनेंशियल के, फाइनेंशियल चैलेंजेस, उसके लिए क्या सजेशन है क्विकली आप दे दीजिए, क्योंकि दैट्स अ वेरी रियल चैलेंज दैट एवरी वन ऑफ यू हैव स्पोकन अबाउट। फाइनेंशियली चैलेंज तो मैं बहुत आते हैं वैसे, दरअसल सारे टॉपिक कवर कर दिए। वैसे हमारे लिए कुछ ऐसी जिसमें जॉब्स होनी चाहिए इसमें, जैसे हम ऐसे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तरह से रिस्पांस टीम में काम कर सके, जिसमें हम हमारी भी थोड़ी अर्निंग हो जाए, ताकि हम सोसाइटी में काम भी करें, कम्युनिटी के साथ काम करें, थोड़ी अर्निंग भी कर लें। जी जी राइट, ठीक है। एंड राइट, एंड अंशुल, इस इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई आपके पास सजेशन है यूथ को और कैसे जोड़ा जाए? मैम जैसे मैम उनको जैसे 3 दिन का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एडवेंचर कैंप जैसे, उसमें एडवेंचर कैंप साथ में हम अपनी एक्टिविटीज करें, साथ में एक्स्ट्रा हम डिजास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम डिजास्टर की सीख चीजें सीख रहे हैं, मेडिकल के बारे में सीख रहे हैं, या कोई भी ऐसे कैंप जैसे NIC नेक्स्ट जनरेशन कैंप है, उसमें हम स्पेशल 2 घंटे जो निकाल रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसमें हम वो चीजें सीख रहे हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं सर, ताकि उनका इंटरेस्ट इसमें बनता जाए धीरे धीरे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आप तीनों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। एंड आप चैट बॉक्स पढ़िए, आपको काफी मोटिवेशन फील होगा, बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने आपको काफी अप्रिशिएट किया है, एंड ऑल ऑफ देम हैव ओनली एनकरेजिंग एंड अप्रिशिएटिव वर्ड्स फॉर यू, एंड बहुत ही आपने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है, एंड सब लोगों को आपने बांध दिया। यू शुड डेफिनेटली रीड द चैट बॉक्स, एंड यस, सो थैंक यू सो मच। And now